अब हम दूसरे महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं। हम सभी को पता है सूती वस्त्र उद्योग जो है ये सबसे प्राचीन उद्योग है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है और इसके लिए जो कच्चा माल है वो कपास होता है, कॉटन होता है। लेकिन ये सूती वस्त्र उद्योग जो हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर कि जलवायु जो है वो नम हो, नम जलवायु वाले क्षेत्र में, स्पेशली जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो इसके उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए, या हम कहें कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु होगी तो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में जब सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाएगा तो धागे जो हैं वो शुष्क जलवायु में बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में ये उद्योग जो है वो स्थापित नहीं किए जा सकते। तो एक अनिवार्य शर्त के रूप में हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो नम जलवायु वाले होने चाहिए, जैसे कोई तटीय क्षेत्र हो गया या कोई नदी या झील के किनारे ही जो है वो ये उद्योग अधिकतर स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि धागा तो जल्दी टूट ही जाता है और इसके साथ ही साथ जिस जहाँ पर ये उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो वहाँ पर धागों की रंगाई के लिए और ये सारी जो चीज़ें हैं इन सभी के लिए भी जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसी कारण ये तटीय क्षेत्र, नदी या किसी भी झील के किनारे स्थापित किए जाते हैं। अब हम देखें कि सूती वस्त्र या सूती कपड़ों का जो उत्पादन है वो या इसका जो निर्माण है वो तीन क्षेत्रों में किया जाता है। पहला हैंडलूम या जिसे हम हथकरघा उद्योग कहते हैं, दूसरा है आपका बिजली करघा या जिसे हम पावर लूम कहते हैं, और तीसरा है आपका कारखाने या मिल्स। इन तीनों क्षेत्रों में सूती कपड़ों का जो उत्पादन है वो किया जाता है। अब तीनों की विशेषताएं हम देख लेते हैं। जैसे हथकरघा है या हैंडलूम, हैंडलूम से भी हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, इस क्षेत्र में जब कपड़े का उत्पादन किया जाता है तो हाथ से ही, मतलब श्रमिक की इसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है, हाथ से ही यहाँ पर कपड़े की कताई या बुनाई का कार्य जो है वो किया जाता है। और पावर लूम वाले क्षेत्र में मशीनों के द्वारा ये कार्य किया जाता है, और कारखाने जो हैं यहाँ पर तो बहुत वृहद स्तर पर इनका उत्पादन होता है। तो जो हथकरघा या हैंडलूम वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ हम देखेंगे कि चूंकि सभी कार्य जो है वो हाथ से किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। और श्रमिक में भी हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार मिलता है। अर्ध कुशल श्रमिक मतलब ये श्रमिकों को बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े बहुत नॉलेज के द्वारा ही जो कार्य किया जा रहा है, यदि थोड़ा बहुत भी उन्हें ज्ञान है तो वो ये कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ चूँकि छोटे स्तर पर इसका उत्पादन होता है इसलिए पूंजी की आवश्यकता जो है वो कम होती है हैंडलूम वाले क्षेत्र में। अब दूसरी जगह हम देखें पावर लूम में या बिजली करघा वाले क्षेत्र में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि पावर लूम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो अधिकतर कार्य है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है, पावर के द्वारा किया जाता है, शक्ति चालित जो मशीनें हैं या कल पुर्जे हैं वो कपड़े के उत्पादन का कार्य करती हैं। तो नेचुरली है कि जब मशीनें जो हैं वो अधिकतर कार्य कर रही हैं तो इसमें श्रम की आवश्यकता कम होती है, कम श्रमिक लगते हैं, और साथ ही साथ जो कार्य हम हाथ से करेंगे और यदि उसी कार्य को मशीन कर रही है तो नेचुरली है कि हाथ से किए गए कार्य की अपेक्षा मशीनों के द्वारा जो है वो प्रोडक्शन हमको अधिक मिलेगा। तो ठीक वही स्थिति है कि चूँकि इसमें पावर लूम वाले क्षेत्र में मशीनें अधिकतर जो हैं वो मशीनों के द्वारा ही कपड़ों का उत्पादन कार्य किया जाता है, तो इसमें उत्पादन या प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत अधिक मिलता है। अब चूंकि मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य हो रहा है तो मशीनों को खरीदने के लिए, उसके रखरखाव के लिए भी हमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है,
तो अधिक पूंजी जो है वो भी इसमें चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन हमको मिलता है कपड़ों का, तो ये हमें अच्छी क्वालिटी का या उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्शन हमें मिलता है। तो ये हो गई जिस क्षेत्र में जो सूती कपड़े हैं उनका उत्पादन कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में ये फैले हुए हैं जो सूती वस्त्र उद्योग हैं, और जब हम पूरे वृहद स्तर पर या पूरे विश्व स्तर पर हम उत्पादन की बात करें तो हम देखते हैं कि 50% से भी अधिक उत्पादन जो है वो इन देशों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से देश हैं? तो भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान। ये देश मिलकर ही पूरे विश्व का 50% से भी अधिक उत्पादन सूती कपड़ों का करते हैं। अब अकेले यूरोप की हम बात करें तो पूरा अकेला यूरोप जो है वो पूरे विश्व के 50% से भी अधिक का जो कच्चा माल है वो आयात करता है। कच्चे माल का मतलब कपास का आयात जो है वो अकेले यूरोप के ही द्वारा किया जाता है। कितना? 50% का। सूती वस्त्र उत्पादन की हम बात कर रहे हैं तो यदि इसका विश्व वितरण देखें तो हमने देखा कि पूरे विश्व का 50% से अधिक उत्पादन भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश जो हैं वो मिलकर करते हैं। इसमें भी जब हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में हालांकि कच्चे माल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व का आधा कपास जो है ये अकेला यूरोप ही आयात करता है। इसके बाद हम देखें कि इन देशों में जो हम 5 देशों की बात की हमने, जिसमें 50% से भी अधिक कपास का उत्पादन जो भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, मिश्र ये मिलकर उत्पादित करते हैं, और इन देशों में सूती वस्त्र जो है वो अधिक विकसित है। अब यहाँ पर इसके विकसित होने का कारण यहाँ पर श्रम की लागत, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी सुधार जो हुए हैं, इसका इन उद्योगों पर और अधिक जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग में चूंकि श्रम लागत अधिक होती है, अधिक लगती है, इसलिए हम देखते हैं कि यह विकसित देशों से अब विकासशील देशों की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। अब हम बात करें कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश, जापान भी जो है वो आयातित धागे से ही सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अब वर्तमान समय में जो कृत्रिम रेशा है, पॉलिएस्टर जिसे हम कहते हैं, उससे बहुत अधिक कंपटीशन, प्रतियोगिता होने के कारण जो अनेक विकसित देश हैं यहाँ पर इस उद्योग के लिए नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है, क्योंकि लॉस में चल रहे हैं, इसलिए अब ये उद्योग जो है वो वहां पर बंद होने की कगार पर है। विश्व में उत्पादन देखें तो ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन का लंकाशायर, ब्रेडफोर्ड, ग्लासगी, पेस्ले और ब्लैकबर्न, अमेरिका में फाल्खीर, मैनचेस्टर, लॉरेंज और न्यू ब्रेडफोर्ड, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। जापान में हम चले जाएं तो जापान में ओसाका, हिरोशिमा, कोबे, याकोहामा, नगोया और टोक्यो। फिर जर्मनी में ब्रिमेन, एल्बरफील्ड, मदेन और मंटोन। अब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में मुंबई, नागपुर, कोयम्बटूर, कानपुर, मोदीनगर, अहमदाबाद, सूरत, अलवर और भीलवाड़ा, ये प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। अब इसी उद्योगों की कड़ी में हम अगले उद्योग की बात कर लेते हैं, केमिकल इंडस्ट्री या रसायन उद्योग। रसायन उद्योग जो है वो अभी वर्तमान समय का महत्वपूर्ण नवीन उद्योग का आधार कह सकते हैं। इसमें जो उत्पाद निर्मित किए जाते हैं वो कुछ ना कुछ मात्रा में सभी उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं।
जिसमें हम चाहे कृषि से लेकर धातु कर्म जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, शीशा उद्योग, साबुन उद्योग, प्लास्टिक या कृत्रिम रबड़ आदि सभी की जिसमें भी हम बात करें, इसमें रसायन का उपयोग जो है वो किया ही जाता है। इसलिए इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लगभग 10 वर्ष पूर्व ही हम कहें कि बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। इसकी स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल, जिसमें हम देखें कि खनिज पदार्थ जैसे पोटाश, नमक, नाइट्रेट, पेट्रोलियम, कोयला आदि होते हैं। वनस्पति से संबंधित जो कच्चे माल होंगे वो हैं लुगदी, वनस्पति तेल, आलू, मक्का, इस प्रकार के। और विभिन्न उद्योगों के जो अवशेष पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग से जो कार्बन ब्लैक मिलता है, या कोयले की भट्टियों से जो प्राप्त गैस है, वो भी इसमें कच्चे माल का काम करते हैं। और इसके साथ ही वातावरण में जो उपस्थित गैस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी इसमें काम करते हैं। इसके लिए श्रम की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन सस्ते श्रमिक आवश्यक होते हैं और उनका बहुत ज्यादा स्किल्ड होना आवश्यक नहीं होता है। बाजार, सस्ता परिवहन, ये सभी जो है वो इसके लिए आवश्यक होते हैं। अब कौन कौन से हैं रासायनिक उद्योग? तो हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज, भारी रसायन उद्योग जैसे कास्टिक सोडा, साबुन, कागज और सीमेंट। इसके बाद पेट्रो रसायन उद्योग जैसे कि प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रबड़, ये सभी आते हैं। इसके साथ ही औषधि रसायन उद्योग, इसके अंतर्गत जो पौधे होते हैं, जड़ों और उनकी छाल और पत्तियों से अनेक प्रकार की जो औषधियां बनाई जाती हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और अदर केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे सफाई करने वाले पदार्थ हैं, या सुगंधित पदार्थ, प्रसाधन सामग्रियां, वार्निश, कीटनाशक, ये सभी उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसी कड़ी में हम देखते हैं पेट्रो रसायन उद्योग या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये पेट्रो रसायन जो है वो खनिज तेल से विभिन्न प्रकार के रसायन प्राप्त करने से है, पेट्रो रसायन का मतलब। और इस उद्योग के लिए खनिज तेल को साफ करने से लेकर अनेक प्रकार का कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे पैराफिन, गैस का तेल, मोम, वैसलीन, मिट्टी का तेल, ये सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। इस उद्योग का प्रमुख रूप से जो विकास है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ, जर्मनी, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और भारत, इन सभी देशों में हुआ है। तो ये हो गई अलग-अलग प्रकार के उद्योगों की बात। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो समूहन अर्थव्यवस्था है, ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था, एंग्लो मरेशन इकोनॉमीज, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं, उनके ही पास जो अनेक प्रकार के छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक बड़ी इंडस्ट्री लगी है और उससे रिलेटेड या उसके कच्चे माल और अपशिष्ट से निकलने वाले जो तत्व या पदार्थ होते हैं, उनसे लगी हुई या उनसे निर्मित जो उद्योग हैं, वो सभी भी उसके आसपास ही स्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण उद्योगों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। और इसी जो पूरी कड़ी को हम कह सकते हैं कि एक लाभ समूहन अर्थव्यवस्था का काम करती है। इसे हम समझ सकते हैं कि बड़े उद्योगों के पास स्थित होने से जो अन्य छोटे उद्योग हैं वो लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे इनके बीच में औद्योगिक श्रृंखला विकसित हो जाती है। और जब औद्योगिक श्रृंखला विकसित होगी, मतलब बड़े उद्योग जो है उनका कच्चा माल या अपशिष्ट छोटे उद्योग के काम आ रहा है, और छोटे उद्योग से जो प्राप्त पदार्थ है वो बड़े उद्योगों में लगाया जा रहा है, तो इस औद्योगिक श्रृंखला के विकसित होने से दोनों प्रकार के उद्योगों को बचत तो प्राप्त होती ही है, और साथ ही इनके लाभ में भी, जो इनको मिलने वाला बेनिफिट है, उसमें भी वृद्धि होती है। इसे ही हम लाभ समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था से जो प्रधान उद्योगों के साथ उसके जो सहयोगी उद्योग हैं उसका भी विकास होता है, और दोनों उद्योग जो हैं वो
पूरक के रूप में काम करके किसी क्षेत्र का विकास करते हैं, जिसे हम लाभ समूहन अर्थव्यवस्था या इसके फायदे के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई बात आपके द्वितीयक व्यवसाय की। बच्चों, आपको द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत जो हमने प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ा, जैसे वस्त्र उद्योग या लौह इस्पात उद्योग, इसके विषय में पढ़ना है या आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जा सकता है कि लाभ समूहन अर्थव्यवस्था क्या है, और साथ ही छोटे प्रश्न के रूप में या मानचित्र में आपको दर्शाने के लिए दिया जा सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग या जो हमने लौह इस्पात उद्योग की बात की, ये किस क्षेत्र में विकसित है, उन क्षेत्रों को पूछा जा सकता है। तो ये हो गई बात आपकी द्वितीयक व्यवसाय की। बच्चों, इस चैप्टर में हमने समझा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज या द्वितीयक क्रियाएं क्या हैं। इसके पहले हमने बात की थी प्राथमिक क्रिया पर, और द्वितीयक क्रिया को जब हमने देखा तो हमने समझा कि जो भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन होते हैं या जो कार्य किए जाते हैं, जब उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं तो वो हमारी द्वितीयक क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गेहूं जो है वो आपका, गेहूं का जब उत्पादन कर रहे हैं हम, वो फसल उगा रहे हैं, तो वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। और जब गेहूं का रूप परिवर्तन करके जब हम गेहूं को उसी रूप में उपयोग करते हैं तब तो वो प्राथमिक क्रिया है, लेकिन जब उसमें रूप परिवर्तन कर दिया, अब रूप परिवर्तन कैसे कर देंगे, जैसे कि घर में आप ब्रेड खाते हैं, इसके अलावा सूजी है, मैदा है, ये सब आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो है वो गेहूं को प्रोसेसिंग करके इनका रूप परिवर्तन किया जाता है, गेहूं का रूप परिवर्तन करके वो फिर ब्रेड, सूजी या मैदा के रूप में हमको मिलता है। तो हमने समझा कि ये सब जो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम खनिज की बात कर रहे हैं, हमने प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत पढ़ा था खनन कार्य, और खनन कार्य में जैसे हमने देखा कि खनन से हम जब लौह अयस्क खनिज निकाल रहे हैं तो वो प्राथमिक क्रिया हो गया, लेकिन उसी लौह अयस्क को परिवर्तित कर दिया गया, उसके रूप में परिवर्तन कर दिया गया। रूप कैसे परिवर्तन कर दिया गया कि लौह अयस्क को शुद्ध करके हमने कच्चा लोहा बनाया, कच्चे लोहे से फिर इस्पात का निर्माण किया गया, और फिर इस्पात के बाद फिर आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें जैसे मशीन या कोई उपकरण, वो कोई भी चीज़ जिसमें लोहे का प्रयोग हो रहा है वो उस इस्पात के प्रयोग के द्वारा ही, इवन एक छोटी सी सुई भी जो है उसमें उस इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि ये सारा जो रूप परिवर्तन कर रहे हैं, ये रूप परिवर्तन करने के बाद वो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। हाँ, इसी चीज़ में हमने देखा कि ये जो द्वितीयक क्रियाएँ हैं वो आपके प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। प्रोसेसिंग से रिलेटेड मतलब उसमें रूप परिवर्तन किया जा रहा है, तो हम इसी को विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में समझ सकते हैं। भाई, जो रूप परिवर्तन किया जाएगा वो किसी न किसी स्थान पे, मतलब किसी छोटे कारखाने पे, किसी छोटे कारखाने से लेकर बड़े उद्योग तक जो है वहाँ पर ये कार्य किया जाता है। तो हमने देखा, बात की कि भाई द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों की हम बात करते हैं, और उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि विनिर्माण उद्योग को बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अलग अलग कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। मतलब ये उद्योग भी हमको सभी जगह एक समान नहीं मिलते, कहीं पर ये अधिक मात्रा में है, कहीं पर कम मात्रा में है, तो ऐसा क्यों? तो इसके हमने अलग अलग कारक को भी समझा। इसके साथ ही हमने देखा कि ये फूट लूज इंडस्ट्री क्या है, स्वच्छंद उद्योग पर हमने बात की, और इन सब के साथ हमने देखा कि जो आधुनिक वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग है या आधुनिक विनिर्माण उद्योग है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। भाई, पहले के समय में जो चीज़ें होती थी, जिसका निर्माण किया जाता था, तब हमने उतना विकास नहीं किया था, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अब वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि पहले के समय की अपेक्षा जो है हम बहुत ज़्यादा अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विकसित कर चुके हैं, उसको डेवलप कर चुके हैं।
तो नेचुरली है कि फिर वो हमारे उद्योग की बात हो या हमारे फसलों को उगाने के संदर्भ में हो, किसी भी चीज़ में हो, ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। और इस जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, कोई नवीन तकनीक की जो बात कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव हमको उस चीज़ पर देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो विनिर्माण उद्योग ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण उद्योग भी देखे, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया या सूती वस्त्र उद्योग पर हमने बात की। और इसके साथ ही ये भी समझा कि ये जो उद्योग है, महत्वपूर्ण उद्योग, ये क्यों किसी स्थान पर क्यों स्थापित किए जा रहे हैं, या इसकी स्थापना के लिए भी कौन से कारक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं या उसे प्रभावित करते हैं। इस चैप्टर में भी आपको ध्यान में देना है, जैसे हमने जो छोटे छोटे टर्म्स यूज़ किए थे, जैसे आधारभूत उद्योग या भारी उद्योग, तो क्यों कहते हैं हम लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत या भारी उद्योग। ऐसे ही कुछ जो कई प्रकार के हमने टर्म्स यूज़ किए हैं, उसे आपको अपने छोटे प्रश्नों के हिसाब से तैयार करना है। और साथ ही जो हम हमने बात की कि अलग-अलग जो उद्योग हैं उसकी स्थापना जहाँ पर हुई है, या हम उसके विश्व वितरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मानचित्र का विशेष रूप से प्रयोग करना है। जब तक आप इस उत्तर में मानचित्र का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपका जो उत्तर है वो अधूरा रह जाएगा। तो एक कंप्लीट आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्पेशली मैप्स के थ्रू आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना ही चाहिए। तो ये हो गई द्वितीय क्रियाएं।